से आप सोलो साइज, ये है हीरो की ऑल न्यू एक्सट्रीम 160R 2023 4V मॉडल। एंड इसके अंदर जो है कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि अच्छे जो है आपको लगे हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ना ये इसमें होने चाहिए थे जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तभी, बट अब जो है कंपनी ने वो सारे चेंजेस इसमें कर दिए गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। बेसिक सी की है, वेव की वगैरह नहीं है, बट हाँ ठीक है, देखने में ठीक ठाक है वही। तो अभी जो है स्टार्ट करेंगे अपन फ्रंट से। उससे पहले मैं यहाँ पे जो है ऑन कर लेता हूँ इसके इग्निशन को। तो यहाँ पे इसमें जो है ना हैज़ार्ड का भी बटन है, तो इससे अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट में LED हेडलैम्प। ये जो इसका फेस है ना ये चेंज कर दिया गया, हेडलैम्प तो सेम है पर जो साइड का जो फेस है ये चेंज किया है। इससे क्या है बाइक थोड़ी सी और बेटर मस्कुलर दिखती है। LED पूरी लाइट्स हैं लाइक ये देखो, उसके बाद LED इंडिकेटर्स हैं। KYB की ये जो है सस्पेंशन है, 1,37,000 कुछ इसकी प्राइस है एक शोरूम। एंड ये जो KYB के सस्पेंशन है ना इस प्रो वेरिएंट में है। इससे नीचे दो वेरिएंट है, स्टैंडर्ड एंड जो है कनेक्टेड। तो स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल बेसिक है, उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये सिर्फ टॉप मॉडल में आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना आपको KYB के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि काफ़ी सही लग रहे हैं गोल्डन कलर में। उसके बाद ये फाइबर का मडगार्ड है, 100 सेक्शन के फ्रंट में टायर है, सिंगल चैनल ABS है, काफ़ी अच्छा जो है डिस्क है। ये जो पैटर्न है ये आपको एक अच्छी ब्रेकिंग देता है, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद जैसे ही मैं साइड में आता हूँ तो यहाँ पे एक बढ़िया सा टैंक आपको मिलेगा। इसके ऊपर बढ़िया से स्टिकर्स मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगे, एक्सट्रीम का 3D लोगो मिलता है, हीरो का लोगो मिलता है। ये जो ग्रे एंड नियॉन कलर है ना सीरियसली देखने में कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहा है। OIL कूलिंग अब इसके अंदर दे दी गई है, रेडिएटर देख रहे हो ये अब इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इंजन वही है लेकिन हेड चेंज कर दिया गया है, 4 वाल्व कर दिए गए हैं और इंजन की पावर बढ़ा दी गई है 1 BHP। टॉर्क सेम है 14 Nm का लेकिन पावर 16.9 PS की कर दी है। इसके कंपटीटर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट इतनी है 17 PS, तो ये भी उसी नंबर्स पे पहुंच चुकी है। 0 to 60 फास्टेस्ट बाइक है 160cc में 4.7 सेकेंड में। नीचे देखो ये कितने सारे जो है कवर्स वगैरह दे दिए, 4V का जो है इतना बड़ा लोगो तो देने की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी अच्छा लग रहा है नियॉन कलर में। फ्रंट फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पे है, रियर ब्रेकिंग है, पीछे जो है 7 स्टेप का एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। ये रियर फुटरेस्ट है काफ़ी सही, रियर जो है एग्जॉस्ट है, रियर क्या फ्रंट रियर तो कुछ है नहीं, तो ये इसका एग्जॉस्ट है। FI वगैरह इसमें आपको मिल जाता है, वैसे 5 स्पीड का गियरबॉक्स, माइलेज वगैरह भी जो है 40-45-50 तक दे देगी, वो डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। एंड टॉप स्पीड इसकी चेक करेंगे हम कल क्या है। सबसे बड़ा और बढ़िया चेंज है भाई इसकी सीट, मतलब ये देखो कितनी जो है भाई इतनी सही जो इसकी थिकनेस दे रखी है ना। यहाँ पे 160R लिखा गया है, एक ये जो है धागे से जो पूरा लिखा हुआ है, और ये जो है एक अलग सा जो है कॉम्बिनेशन दे दिया बीच में, पैटर्न बनाया गया सही। फ्रंट राइडर सीट, पिलियन सीट दोनों ही बढ़िया दी गई, गजब की सीट है यार दोनों। उसके बाद साइड पैनल पे हीरो का लोगो है, ग्रैब रेल साइड हो गई है, 136 में पीछे टायर है, बट पीछे ABS वगैरह नहीं है, सिंगल डिस्क आपको मिलता है। ये जो है स्मोकी टेल लाइट मिलेगी, इंडिकेटर्स LED में, हैलोजन में, नंबर प्लेट लाइट। साइड में आओगे तो कुछ ऐसा पूरा व्यू है जो अपना इसमें जब शोरूम में आप देखोगे ना तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको साइड में साड़ी गार्ड वगैरह दे दें। उसके बाद FI के अगेंस्ट जो है यहाँ पे स्टिकरिंग है, ये अपना साइड स्टैंड है, कट ऑफ फीचर के साथ में आती है बाइक, 5 स्पीड का गेयरबॉक्स है। उसके बाद ये टैंक है अपना, इसकी भी कैपेसिटी जो है अच्छी खासी है। एंड E20 के साथ में ये आता है जो है लेटेस्ट इथेनॉल से चलने वाली है। यहाँ पे जो है आपको 12 लीटर का टैंक मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। नए बटन दे दिए गए हैं, हाई बीम लो बीम, आगे पासिंग लाइट है, इंडिकेटर है, सिंगल हॉर्न है, ये हैज़ार्ड का बटन है और ये है स्टार्ट करने का बटन। तो उससे पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे गियर इंडिकेटर वगैरह सब है। तो चलो स्टार्ट करके साउंड सुनाता हूँ। तो कुछ ऐसी साउंड है, ये RPM देखो इसके, तो ये है इसके एग्जॉस्ट साउंड, पहले से बेहतरीन कर दी गई है। ये इसका पूरा जो है कंसोल है, ऊपर RPM मीटर है, ये ओडोमीटर है, नीचे फ्यूल मीटर है, टाइमिंग मीटर है, गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, नीचे सारी लाइट्स वगैरह हैं। सेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं ट्रिप AB वगैरह ये सब, एंड ये जो है ट्रिप B ओडो, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो बटन है वो सेट करने का, तो ये कुछ सारे फीचर्स है बेसिक्स है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो पूरा व्यू है आगे का वो सही है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स नहीं है, बट हाँ जो हैंडल बार है नेकेड के लिए ही बने हैं, तो ये भी काफ़ी सही है। अभी बात आती है प्राइसिंग के बारे में, तो भाई जो स्टैंडर्ड वेरियंट उसकी प्राइस है 1,27,000 एक शोरूम, टॉप एंड मॉडल की जो प्राइस है वो है 1,37,000 एक शोरूम। तो ये कुछ इसकी प्राइसिंग वगैरह है, तो अभी आप लोग मेरे को बताओ आप लोग कैसी लगी। बाकी यार ये था कुछ आज की वीडियो में, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज़।